आज हम करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 35 ऑफ सीआरपीसी, जिसकी हेडिंग है इरेगुलर प्रोसीडिंग्स, इसके एमसीक्यूज। तो ये थर्ड लास्ट है चैप्टर, और सेक्शन नंबर 460 से लेकर के 466 पे आता है। सेक्शन नंबर 467 से लेकर के 473 तक आता है वो लिमिटेशन, एंड उसके बाद आता है मिसेलेनियस टिल 484। ओके, तो इसमें काफी कम एमसीक्यूज है, तो ये वीडियो थोड़ी सी छोटी रहेगी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इरेगुलरिटीज विच डू नॉट विशिएट ट्रायल हैव बीन स्टेटेड इन। सी, इरेगुलरिटीज तो होंगी, पर एक में क्या होगा, ट्रायल जो है वो विशिएट नहीं होगा, और एक में क्या है, ट्रायल जो है वो विशिएट होगा। तो जिसमें ट्रायल विशिएट नहीं होगा वो है सेक्शन नंबर 460। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इरेगुलरिटी बाय द मजिस्ट्रेट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल नॉट विशिएट प्रोसीडिंग्स। तो फर्स्ट है मेकिंग एन ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के लिए एक ऑर्डर। फिर है डिमांडिंग सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर, ये है पैसों के लिए। टेंडरिंग पार्डन टू अकॉम्प्लिस, ट्राइंग एन ऑफेंस समरली, ठीक है, समरी ट्रायल कर दिया किसी ऑफेंस का। तो एन इरेगुलरिटी बाय द मजिस्ट्रेट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल नॉट विशिएट द प्रोसीडिंग्स। तो किस सेक्शन के बारे में, सेक्शन नंबर 460 के बारे में बात कर रहा है ये। तो 461 में हम लोग ने ऑलरेडी देखा था, जो हमारे वीडियो लेक्चर्स थे, कि जो भी मनी से रिलेटेड होगा या फिर ऐसी चीज से रिलेटेड जो इनजस्टिस करे वो आता है 461 में, रेस्ट बाकी चीजें आती हैं 460 में। तो क्या है, मेकिंग एन ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस, ये भी पैसों से रिलेटेड है। डिमांडिंग सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर, ये भी पैसों से रिलेटेड है। टेंडरिंग पार्डन टू अकॉम्प्लिस, तो ये जो है ये 460 में फॉल करेगा, तो इसका आंसर होगा ये। और लास्ट वाला भी देख लेते हैं, ट्राइंग एन ऑफेंस समरली, तो ये क्या है, ये जस्टिस से रिलेटेड है, इनजस्टिस से रिलेटेड है, इसलिए ये 461 में आता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल प्रोसीडिंग्स बी विशिएटेड इफ द मजिस्ट्रेट इज नॉट एम्पावर्ड टू डू सो। अगर मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड नहीं है तो कब प्रोसीडिंग जो है वो विशिएट होंगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है टू इशू अ सर्च वारंट अंडर सेक्शन नंबर 94। सेकेंड है टू होल्ड एन इंक्वेस्ट अंडर सेक्शन नंबर 176। थर्ड है टू ट्राइज एन ऑफेंडर समरली। फोर्थ है टू टेंडर अ पार्डन अंडर सेक्शन 306 ऑफ सीआरपी। तो इसमें एक जो मजिस्ट्रेट है वो ऑफेंडर को समरली ट्राई करने के लिए जो है वो एम्पावर्ड नहीं है, जो कि विशिएट कर देगी प्रोसीडिंग्स। तो इसका आंसर है सी। और ये जो छोटी छोटी चीजें जैसे कि सर्च वारंट, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें, यानी कि वर्किंग चीजें, ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस वाली जो चीजें हैं ये इस पे नहीं आएंगी, ये विशिएट नहीं करेंगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसीडिंग्स बिफोर अ क्रिमिनल कोर्ट आर विशिएटेड इफ द प्रोसीडिंग मजिस्ट्रेट हु इज नॉट एम्पावर्ड बाई लॉ टू डू सो इशू सर्च वॉरेंट इरोनियसली बट इन गुड फेथ, होल्ड इंक्वेस्ट अंडर सेक्शन 176 ऑफ सीआरपीसी इरोनियसली बट इन गुड फेथ, ट्राइज एन ऑफेंडर समरली, ट्राई करता है किसको, ऑफेंडर समरली। देन लास्ट है ऑल ऑफ दिस। तो इसमें ये भी प्रोसेस से रिलेटेड है, गुड फेथ में भी है, तो ऑब्वियसली इसकी वजह से तो नहीं होगा, विशेट नहीं होगी। बट विशेट किसकी वजह से होंगी, ऑफेंडर, सी ऑफेंस को नहीं, हमें ये देखना कि ऑफेंडर एक इंसान है, उसको विजुअलाइज करना है, तो वो क्या कर देगा, विशिएट कर देगा, ठीक है, एक ऑफेंडर है और उसको विशिएट कर देगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इरेगुलरिटीज ऑफ अ मजिस्ट्रेट नॉट एम्पावर्ड बाय लॉ टू डू सो विशिएट्स द प्रोसीडिंग्स। इसमें से कौन सी है जो विशिएट कर देती है प्रोसीडिंग को। तो फर्स्ट ऑप्शन है टू होल्ड इंक्वायरी अंडर सेक्शन 176, टू मेक ओवर अ केस अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 192 सी सीआरपीसी, टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर क्लॉज सी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी, या फिर टू टेंडर पार्डन। जो लास्ट ऑप्शन है वो है टू टेंडर, एक बार इसको देख लेते हैं, टू टेंडर पार्डन टू अकॉम्प्लिस अंडर सेक्शन 306 ऑफ सीआरपीसी। तो इसका जो आंसर है वो है सी, पार्डन वाला तो हमने पहले ही देख लिया था, और इंक्वायरी ये तो एक प्रोसेस से रिलेटेड है, टू मेक ओवर अ केस, मेकिंग ओवर भी नॉर्मल है, प्रोसेस से रिलेटेड है, तो इसका आंसर है सी, टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, कॉग्निजेंस लेना इसके लिए जो है एम्पावर्ड नहीं है, सो दस दिस विल विशिएट द प्रोसीडिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सीआरपीसी
The irregularities which vitiate trial have been stated in one section. तो ऑब्वियसली नॉट, जो विशिएट नहीं करेंगी वो 460 में है, तो 461 में है जो विशिएट करेंगी. इसका आप एक बार वीडियो देख लोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या है. ठीक है, इसका आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा कि कैसा प्रोसेस है, मैंने कैसा एक फ्लो बनाया है सारे सेक्शंस का. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सीआरपीसी व्हाट इज इफेक्ट ऑफ ट्रायल कंडक्टेड इन रॉन्ग प्लेस. अगर गलत प्लेस पे ट्रायल हो जाए तो क्या होगा उसका इफेक्ट. तो क्या है, विशिएट कर देगी, विशिएट इफ कॉस्ट फेलियर ऑफ जस्टिस. ये तो सही लग रहा है, सीरियसनेस हैज टू बी सीन और इज टू बी रिफर टू सेशन जज. एक्सक्यूज मी, इसका आंसर है बी, बिकॉज ऑफ दिस, जस्टिस की वजह से. अब जो क्वेश्चन वो है, इंक्वायरी ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स कंडक्टेड इन रॉन्ग प्लेस कैन नॉट बी सेट असाइड अनलेस द सेम हैज रिजल्टेड इनटू फेलियर ऑफ जस्टिस. कैन नॉट बी सेट असाइड इवन इफ द सेम हैज रिजल्टेड इनटू फेलियर ऑफ जस्टिस. थर्ड है मेक्स देम वॉइड एब इनिशियो. फोर्थ है इधर ए और बी. तो इसका आंसर है ए, कैन नॉट बी सेट असाइड अनलेस द सेम हैज रिजल्टेड इनटू फेलियर ऑफ जस्टिस. ये बहुत ही जनरल सा आंसर है. अगर आपको समझ में आ रहा है, ये अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक फॉलो शेयर कमेंट जो भी आप कर सकते हो. बाकी इसके जो फर्दर वीडियोज़ है उसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन जो शेयर कर दी, और मैंने जो पूरा सिलेबस है सीआरपीसी का कंप्लीट कर दिया है. थैंक यू.